वेलकम टू सी फॉर करियर और अल्टीमेट स्टॉक मार्केट मोटिवेशन दोस्तों फिर से हाजिर हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का रिव्यू करने के लिए 13 जुलाई के लिए ठीक है आज 12 जुलाई को क्या हुआ वो भी समझते हैं और कल क्या हो सकता है वो भी समझेंगे अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो डेली एजुकेशनल रील्स के लिए चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग पर मल्टीपल चार्ट खोलना मैं पहले पुराने वीडियो में बता चुका हूँ देख लेना कैसे खोलते हैं इंडियन टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे सबसे पहले डेली पर हमने खोल रखा है पहला प्रिंसिपल अगर कैंडल चार्ट नहीं आता है तो लाइन पर खोलो लाइन पर नेकेड चार्ट देखो हमेशा ताकि उसकी चाल समझ में आए आपको है ना अब देखिए तीनों चार्ट को देखकर आपको क्या लग रहा है इसको देखिए निफ्टी को नीचे बैंक निफ्टी नीचे एच डी एफ सी बैंक नीचे अब एच डी एफ सी बैंक नीचे है इसलिए बैंक निफ्टी नीचे है ठीक है मैं एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक को नहीं खोला हूं यहाँ पर अगर आप उनको देखेंगे तो शायद वो भी नीचे होंगे मैंने अभी देखा नहीं है वो भी नीचे होंगे तभी बैंक निफ्टी नीचे आया है ठीक है ना इन तीनों वे, एच डी एफ सी एक्सिस और आईसीआई का वेटे सबसे ज्यादा है तो अगर ये तीन हिला सकते हैं पूरा बैंक निफ्टी को ठीक है इसलिए इन तीनों को एनालिसिस जरूर करिएगा तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एच डी एफ सी लगा रखा है क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज्यादा है ठीक है तीनों डाउन ट्रेंड पर देख रहे हैं ठीक है लेकिन अब अगर हम इसे कैंडल पर लगाएंगे तो देखेंगे देखिए ये थोड़ा डाउन ट्रेंड पर नहीं लग रहा है थोड़ा साइडवेज लग रहा है क्योंकि डाउन ट्रेंड होता है एकदम नीचे आना मतलब लोअर लो लोअर लोज लगा तो इसके नीचे आना चाहिए मतलब निफ्टी जब तक नाइनटीन थ्री ट्वेंटी नाइन के नीचे नहीं आ रहा है तब तक सेफ है ठीक है बैंक निफ्टी ऑलरेडी डाउन ट्रेंड दिखा रहा है और एच डी एफ सी बैंक भी डाउन इसको जल्दी से फटाफट फड़ कैंडल में कर लेते हैं। देखते हैं, जो बताएगी बनी है, star, अगर इसके नीचे बनती है इसका पि पिछले कैंडल का लो तोड़ती है तो डाउन ट्रेंड आएगा लेकिन पिछले कैंडल का लो नहीं तोड़ा है ठीक है ना यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है लेकिन क्लोजिंग पिछली क्लोज के नीचे हुई है मतलब हल्का सा डाउन ट्रेंड है लेकिन अगर आप

सेलर बैठे हो हो सकता है लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो बार बार उस लेवल पर तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस का, का काम कर रहा है ठीक है ना तो इस पॉइंट को जब तक क्रॉस नहीं करेगा नाइनटीन को तब तक निफ्टी ऊपर जाने की संभावना नजर नहीं आ रही इसलिए ये साइडवेज लग रहा है बैंक निफ्टी को जरा देखते हैं बैंक निफ्टी पर कौन सी कैंडल बनी है देखिए ग्रीन कैंडल बनी हुई सॉरी कंटिन्यूस रेड कैंडल बनती चली आ रही है बी मोड में और एच को देखिए वो भी बी मोड में अब जरा देखिए एच और बैंक निफ्टी में कितनी बड़ी समानता है देखिए रेड कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल सिर्फ कर्सर को देखिए रेड कैंडल रेड कैंडल एकदम हु बहू टू कॉपी कॉपी ऐसा लगता है जेराक्स निकाल दिए हो किसी ने एच डी एफ सी बैंक की तो बैंक निफ्टी एच डी एफ सी बैंक को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है इसलिए मैं रखता हूँ वॉल्यूम भी देखिए अच्छा खासा है तो डाउन ट्रेंड में है ठीक है अब जरा इसको शॉटर टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं सबको पंद्रह मिनट पर लगा लो पंद्रह मिनट पर बैंक निफ्टी को लगा लो और पंद्रह मिनट पर एच डी एफ सी को लगा लो दोस्तों देखिए अभी निफ्टी अपना डाउन ट्रेंड में नहीं है निफ्टी साइडवेज में है और बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड दिखा रहा है इसका मतलब ट्रेंड पक्का नहीं है अभी हम नहीं कह सकते कि डाउन ट्रेंड आ गया क्योंकि दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा निफ्टी साइड जा रहा है बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है मतलब अभी डाउन ट्रेंड नहीं मान सकते ठीक है तो उस चीज से बेफिक्र रही है कि अभी कोई डाउन ट्रेंड आ गया ठीक है एच डी एफ सी बैंक अब देखिए पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी लेकिन तीन बजे के बाद फिर बाइंग स्टार्ट हो गई है मतलब फिर से बायर एंटर कर गए

और निफ्टी भी कल पॉजिटिव साइन दिखा सकता है शॉर्ट टाइम फ्रेम पर ठीक है आवरली कैंडल में हल्की सी ग्रीन कैंडल बन के क्लोज हो गई है थोड़ा एक बार इसको वीक पर देख लेते हैं एक बार वीक पर क्या चल रहा है देखिए वीक पर डोजी बनी हुई है मतलब अभी बायर और सेलर को खुद नहीं पता कि निफ्टी को कहाँ लेकर जाना है ठीक है ना बैंक निफ्टी देखिए वीक पर बैंक निफ्टी रेड में है लेकिन साइडवेज टाइप का है ठीक है ना इसको अगर हम लाइन चार्ट पे लगाएंगे तो देखिए ऊपर जाके फिर साइडवेज हो गया है ठीक है ना अगर हम एच बैंक को वीकली पर देखेंगे तो अगर लाइन चार्ट पर लगाते हैं तो देखिए ये ऊपर गया और नीचे आ रहा है ठीक है ना देख रहे हैं ना ऊपर गया और नीचे आ रहा है बट ओवरऑल देखिए तो साइडवेज रहेगा इसको आप डाउन ट्रेड नहीं बोल सकते ना डाउन ट्रेंड मतलब पूरा नीचे आएगा लोअर लोज बनाता चला जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है नीचे आया फिर ऊपर चला गया फिर नीचे आया मतलब साइडवेज है एच डी एफ सी बैंक साइडवेज है बैंक निफ्टी साइडवेज है निफ्टी भी साइडवेज है, है मतलब अभी कुछ ज्यादा खास हो नहीं रहा है मार्केट में ठीक है ना मंथ पर देखेंगे तो मंथ पर बुलिश है मंथ पर बैंक निफ्टी लेट अस सी मंथ पर बैंक निफ्टी रेड है ओके रेड कैंडल बनी हुई है और एच डी एफ सी बैंक मंथ पर इट इज ऑल्सो सोइंगा रेड बट इट इज अ साइडवेज ओके तो अभी ट्रेंड पक्का नहीं है ठीक है ना तो कल क्या होगा दोस्तों <coughs> कल के लिए देखिए मैंने जो पंद्रह मिनट का चार्ट पर जो देखा है कि बायर्स एंटर हो गए हैं ठीक है ना तो मार्केट तो पूरा नीचे गिरने के मूड में था 1930 यहां 1943, यह थर्टी यहां से नाइनटीन फोर्टी तीन बजे का अगर हम पुरानी कैंडल्स देख लें मॉर्निंग की क्या हुआ एग्जैक्टली देखिए नौ बजे का कहाँ पर है बारह जुलाई का ये देखिए नाइन थर्टी यहां से स्टार्ट हुआ ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया तो ऑलमोस्ट इट इज शोइंग डाउन ट्रेंड ऑनली देखिए अगर मैं इसको लाइन पर लगा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा दिस इज डाउन लोअर लोज लोअर राइज लोअर लोज लोअर राइज फिर लोअर लोज लोअर राइज तो ये डाउन ट्रेंड पे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है लेकिन एंड में बड़े वॉल्यूम के साथ बायर सेंटर हुए हैं तो कल भी निफ्टी ऊपर जा सकता है देर इज नो डाउट ओके तो अभी कुछ ऐसा ही चलेगा क्योंकि अभी देखिए ये डाउन ट्रेंड में नहीं है क्योंकि हाई फिर लोअर लोज अगर इसने लगाया लोअर हाइस गया तो लोअर लोज नहीं लगाया मतलब इस पॉइंट से जो मैं बोल रहा हूं कल भी मैंने बोला था नाइनटीन थ्री थर्टी टू टूटेगा तब कहीं जाकर निफ्टी को आप डाउन ट्रेंड में मान सकते हैं और उन्नीस हजार दो सो का साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको अगर निफ्टी टच करता है तो एक समझिए कि एक प्रॉपर पुल बैक हुआ है उसके बाद निफ्टी पक्का बीस हजार तक जा सकता है क्योंकि अभी कोई ढंग का पुल बैच जब देखिए इतना लंबा स्ट्रेच आया ना दोस्तों आप देखिए इतना लंबा स्ट्रेच आया है तो इतने से पुल बैक से कुछ नहीं होगा एक अच्छा खासा जब तक 19,200 जो साइकोलॉजिकल लेवल अगर यहां तक पुल बैक आ जाता है उसके बाद निफ्टी अच्छा खासा मूव देगा अपट्रेंड देगा तब तक ये साइडवेज और यही सब दिखाता रहेगा कोई ज्यादा खास मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है ना ओके तो अभी तो जो बी आर कैंडल बनी हुई है लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम पर बाहर एंटर कर गए तो हो सकता है कल फिर से गैप अप ओपन हो सकता है ठीक है ना 1933, what was the closing द क्लोजिंग ऑफ निफ्टी 19384 ओके okay? नाइनटीन पर इसकी क्लोजिंग हुई है सो so, ऊपर जो रजिस्टेंस फेस कर रहा है उसको तोड़ना बाकी है बाकी निफ्टी अभी रेंज में है ठीक है ना बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में है और एच डी एफ सी बैंक भी डाउन ट्रेंड में तो एच डी एफ सी बैंक को कल देखिए अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो समझिए कि कुछ हो सकता है अगर हम 15 मिनट्स पर लगा लें तो कल एच डी एफ सी बैंक ऊपर जा सकता है तो अगर एच डी एफ सी बैंक ऊपर गया एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक को भी एक बार देख लीजिएगा अगर वो भी बुलिश कैंडल अगर उनकी फॉर्मेशन हुए 15 मिनट के चार पर तो कल ये ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी ठीक है ना तो so, आज आप लेवल लिख लीजिए कल के दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर निफ्टी सपोर्ट रहेगा नाइनटीन दूसरा सपोर्ट रहेगा नाइनटीन रेजिस्टेंस रहेगा 19474.08 और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 19563.87 19500 साइकोलॉजिकल लेवल है उसी के आसपास से बार बार गिर रहा है ठीक है ना अगर वो अच्छे खासे वॉल्यूम से ब्रेक होगा तभी निफ्टी ऊपर जाएगा अराउंड नाइनटीन तक पहुंच सकता है ठीक है ना बैंक निफ्टी का लेवल लिख लीजिए दोस्तों सपोर्ट है चवालिस दूसरा सपोर्ट है चवालीस और रेजिस्टेंस है इसका चवालिस आठ सौ तिरसठ दशमलव छः सात और दूसरा रेजिस्टेंस है पैंतालीस हजार सत्तासी और इसका जो साइकोलॉजिकल लेवल है फोर्टी फाइव थाउजेंड वो तो रहेगा ही इसका रेजिस्टेंस ओके सो होप यू लाइक दिस एनालिसिस ऐसे धीरे धीरे एनालिसिस सीखिए मैं कोई बहुत टफ एनालिसिस करता नहीं हूँ बहुत ईजी रहता है सिंपल आपको क्लोजिंग कैंडल्स देख ली है फिफ्टीन मिनट्स का चार्ट देखना है एंड यू कैन टेल कि वेयर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विल गो एच डी एफ सी बैंक आई एक्सिस बैंक को जरूर रिव्यू कर लीजिए उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि बैंक निफ्टी अप्रॉक्सीमेट कहाँ जाएगा ठीक है इन लेवल के बीच में ही कल ट्रेडिंग हो सकती है ध्यान रखिएगा ठीक है ओके होप यू लाइक दिस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू वेरी मच